क्षमा आपको ऊंचा उठाती है, वहीं व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, पर इस प्रयास में वो खुद बहुत नीचे उतर जाता है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक कहानी। एक बार एक धोबी नदी के किनारे की शिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी शिला पर कोई महाराज भी ध्यानस्थ थे। धोबी ने आवाज लगाई, उसने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी, दूसरी आवाज लगाई, वो भी नहीं सुनी तो धक्का मार दिया। ध्यानस्थ की आंखें खुली, क्रोध की ज्वाला उठी। दोनों के बीच खूब मारपीट और हाथापाई हुई। लूट पीट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से यह सब बैठकर देख रहा था। साधु के नजदीक आकर पूछा, महाराज आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने मारा बहुत आपको। महाराज ने कहा, उस समय आप छुड़ाने क्यों नहीं आए? व्यक्ति ने कहा, आप दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उस समय यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि धोबी कौन है और साधु कौन है। प्रतिशोध और बदला साधु को भी धोबी के स्तर पर उतार लाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरा मत बनो, नहीं तो साधु और शठ की क्या पहचान। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है। इस प्रक्रिया में वो सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन देता है। प्रतिशोध और गुस्से से हम कभी कभार खुद को भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे हमें बाद में खुद बहुत पछतावा होता है। इसलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गुस्से पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण कर सके। प्रेरणा से भरी ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।